हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं और टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर हमने फाइंड आउट किया था कि जब रियल इमेज बनेगी तो उसके लिए मिरर फार्मूला आप कैसे डिराइव करेंगे। फिर आपने वर्चुअल इमेज के लिए भी मिरर फार्मूला फाइंड आउट किया था, किसके लिए? कनकेव मिरर के लिए। और आज हम मिरर फार्मूला किसके लिए डिराइव करेंगे? कन्वेक्स मिरर के लिए हमने डिराइव करना है मिरर फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने रूल्स आपने पहले फॉलो किए थे कि कनकेव मिरर कौन से रूल फॉलो करता है, तो वैसे ही रूल कन्वेक्स मिरर के केस में भी आपने स्टडी करने हैं। ठीक है, जब भी आपने क्या करना है, रे डायग्राम हमने कंस्ट्रक्ट करना है, उसमें हम क्या करते हैं, पोजीशन, नेचर और इमेज का जो साइज है कैसा बन रहा है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो हमें पता होना चाहिए। कि सबसे पहले हमें पता ही है कि जो फर्स्ट रूल जो हमने कनकेव मिरर के केस में किया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में, कहाँ पर फॉल कर रही है? कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो वो कहाँ से अपीयर होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से अपीयर होगी? वो ऐसा लगेगा कि वो आपके कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से वो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कि जब आप डायग्राम आप बनाओगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी आप कन्वेक्स मिरर आप ड्रॉ करते थे तो उस केस में क्या है, जो इमेज बनती है हमारे पास वो बिहाइंड द मिरर, और जो फोकस जो पॉइंट होता है वो भी कहाँ लाई करता है, हमारा बिहाइंड द मिरर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपको मालूम है। क्योंकि अगर आपने पीछे अगर आपने डिटेल में स्टडी किया है, जो भी हमने जब स्टार्टिंग में जो रूल्स आपने स्टडी किए हैं कन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम है कैसा बनता है, कनकेव मिरर का जो डायग्राम है कैसा बनता है, कन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है वो कहाँ लाई करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आपको मिरर फार्मूला कन्वेक्स मिरर के लिए डिराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो वो बैक रिफ्लेक्ट जब भी होगी तो वो सेम उसी पाथ से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो अब हमने इमेज को आपने ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स देखेंगे डायग्राम इसका, यहाँ पर हम कन्वेक्स मिरर यहाँ पर बना रहे हैं, दिस इज कन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ करनी है एंड हेयर दिस पॉइंट, दिस इज योर पोल जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट करना है, दिस इज पोल एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ए और बी, दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ए बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि पी क्या है, पोल है, और जो आपने क्या रखा है ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा है, आपने पोल और किसके किसके बीच में रखा है, ये जो पॉइंट है ये इस तरफ आपने बता देना है कि इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। तो इन्फिनिटी, ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपने कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर आपने क्या रखा है, इसको इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर के ऊपर यहाँ पर फॉल करेगी, दिस वन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस
ये प्रिंसिपल एक्सिस है बिल्कुल इसके पैरेलल में लाइट रेज कहाँ फॉल कर रही हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू जो आपके पास फर्स्ट रूल होगा उसमें इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो ये पैरेलल रे ऑफ जो लाइट है शुड बी अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से अपीयर होगी। तो फोकस आपको पता ही है कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर लाई करेगा, दिस वन इज फोकस, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लाइट तो यहाँ से क्या हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग दिस वन, दिस पॉइंट, जैसे कि हमने इस पॉइंट को मैं L नाम बता रही हूँ एंड इसको थोड़ा सा आगे आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर ये आपने बता देना है। तो ये जो लाइट होगी ये कहाँ से अपीयर हो रही है, ठीक है। दिस पैरेलल रे ऑफ लाइट should appear to be coming from the focus after reflection। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को भी हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन में इसको आपने ड्रॉ करना है। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है, इसको हमने क्या करना है, लाइन को प्रोड्यूस करना है पीछे। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बता देना है। और ये आपका जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन एल एम। लेकिन हमें ऐसा लगेगा अगर कोई पर्सन है जो लेफ्ट साइड यहाँ पर ए बी वाली पोजीशन में खड़ा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज है ये कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहाँ से अपीयर हो रही हैं, ये फोकस से आ रही हैं, ठीक है। तो फिर आपने बता देना है कि जो सेकेंड रे ऑफ लाइट होगी वो ए से पास होगी और कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। यहां से जो रे ऑफ लाइट है सेकेंड रे ऑफ लाइट फ्रॉम द पॉइंट बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कन्वेक्स मिरर, ठीक है। हियर वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट, ये सॉलिड होगा, सॉलिड पॉइंट आपने ले लेना है। और इसके बाद बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर ये कैसा आएगा स्टूडेंट्स, डॉटेड में पॉइंट आएगा यहाँ पर। और ये मिरर है इसको मैं ई पॉइंट नाम दे रही हूँ, यहाँ से लाइट फॉल होगी सेम ही पाथ से, वो क्या हो जाएगी, अगेन पास हो जाएगी, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो अब आपने बताना है कि तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो क्या है, ये सॉलिड लाइन है, जैसे बी पॉइंट से ई पॉइंट तक ये सॉलिड लाइन है। तो ये एक तरह से रियल रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ई से लेकर सी तक हमने इसको डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है। तो ये कैसी रे ऑफ लाइट है, ये वर्चुअल रे ऑफ लाइट है, वर्चुअल रे ऑफ लाइट है। तो ये जो लाइट है बी ई ये जो रिप्रेजेंट ये रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द कन्वेक्स मिरर। अब आपने बता देना है कि जो सेकंड जो रूल होता है उसमें आप यही बताते हैं कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगी अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, बी ई, तो ये ऐसा लगेगा आपको कि इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से ही आ रही है। तो यहाँ पर टू जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, फर्स्ट आपको मैंने बता दिया यहाँ पर एल एम, ठीक है, एल एम, और सेकेंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने बता देना है।
तो ये यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है ये यहाँ पर डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज बी डैश, डाइवर्ज हो रही है ना, यू स्प्रेड आउट हो रही है, और इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस आपने क्या किया, मिलाया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बी पॉइंट पर ये क्या हो रही है, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ पर दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी डैश व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो ये जो बी डैश है, दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ बी पॉइंट, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसी का ही क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। और ए डैश, ए यहाँ पर ये आपने ए डैश जब आप इसको मिलाएंगे तो दिस वन, तो ये डैश क्या है, ये डैश अगेन आपने बता देना है कि वर्चुअल इमेज है किस पॉइंट की, ए पॉइंट की, जो ऑब्जेक्ट लिया है आपने ए पॉइंट। तो जैसे ही अगर आपने फुल इमेज को ड्रॉ करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, आपको परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो वर्चुअल जो इमेज बन रही है वो आपने बता देना है कि बी डैश ए डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए डैश बी डैश इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। तो यहाँ से आपको पता लग गया है कि जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, पोल और फोकस के यहाँ पर बीच में जैसे बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये कैसी इमेज बन रही है हमारे पास, ये वर्चुअल है और बिल्कुल सीधी है, डॉटेड में है, तो आपने बता देना है कैसी है, वर्चुअल बन रही है, बिल्कुल सीधी है, तो इरेक्ट बोलेंगे आप, ठीक है। और साथ में ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा है और इमेज का साइज छोटा है तो बता देंगे आप लोग। तो यहाँ से आपको यही पता लगा कि जब भी आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेना है, किसके सामने, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, तो इमेज कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल पी एंड फोकस एफ। और सेकंड पॉइंट आपने बता देना है कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बता देना है थर्ड पॉइंट आपने बता देना है कि स्मॉलर देन देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ज्यादा है, और इमेज का साइज क्या है, कम है, तो इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने बता देना है कि अगर कोई पर्सन है जो लेफ्ट साइड यहाँ पर क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है वो ऐसा लगेगा कि कहाँ से अपीयर हो रही है, वो फोकस से अपीयर हो रही है, और फोकस पॉइंट कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में जो लाइट है वो क्या हो जा रही है स्टूडेंट्स, डाइवर्ज, डाइवर्ज। जब आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में इन दोनों रेज ऑफ लाइट को मिलाना है तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आपने ये पॉइंट्स, आपको क्लियर हो गया है कि क्या हो रहा है कि जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास होती है, फोकस से ही पास होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर तो रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, लेकिन जैसे ही आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से अपीयर हो रही है, ये फोकस से अपीयर हो रही है। तो सेकेंड रे ऑफ लाइट होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वो उसी ही सेम ही पाथ से वो क्या हो रही है, वो अगेन रिफ्लेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो ये आपको पता लग गया है
तो यहाँ पर ये कैसी इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है और डॉटेड लाइन में आप इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसी है, वर्चुअल है और बिल्कुल सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है, लार्ज है, और इमेज का साइज क्या है बता देंगे, स्मॉल साइज। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने एल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ड्रॉ एल एन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ड्रॉ एल एन परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। आप अब आपने देखना है, सबसे पहले नाउ ट्रायंगल फोकस पॉइंट पर देखेंगे, एन एल एफ, एन एल एफ एंड ट्रायंगल, यहीं से ए डैश बी डैश एफ आर सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब आपको पता ही है कि सिमिलर ट्राइंगल्स कैसी ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो फिर अब आपने क्या करना है, फर्स्ट वन ट्राइंगल आपके पास ये है, इमेज वाली साइड ले लेंगे पहले आप ए डैश बी डैश एफ, और सेकंड जो ट्राइंगल है वो आपके पास ये है, ऐसे है, ये ट्राइंगल विद सेम शेप बट साइज डिफरेंट, छोटी बड़ी हो सकती है ट्राइंगल तो, लेकिन साइज क्या हो सकता है ट्राइंगल का, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शेप क्या है दोनों की, सेम है। तो ऐसी ट्राइंगल्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। और आपने बता देना है, फिर आपने क्या लेते हैं, आप इमेज वाली साइड जो है रेशो ले लेंगे साइड्स की, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय दिस वन एल एन, इज इक्वल टू फोकस वाले साइड ले लेंगे ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। आगे बता देंगे आप कि नाउ दिस एन पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, देयरफॉर एन विल रिप्लेस विद पी, क्योंकि आपको पता है कि All the distance are measured from the pole of the mirror. आपने पोल से ही पूरे डिस्टेंस को आपने क्या करना है, मेजर करना है, तो एन पॉइंट को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट, ठीक है, निगलेक्ट कर देंगे। तो दिस एन पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट पी, तो देयर फोर वी विल रिप्लेस एन पॉइंट विद पी, तो एन एफ की जगह आपने पी एफ लिख देना है, एंड एल एन, और एल एन देखेंगे यहाँ पर एल एन किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, एल एन बिल्कुल ए बी के बिल्कुल बराबर है, तो इसको ए बी से आपने रिप्लेस कर देना है। देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एल एन की जगह आपने ए बी लिख देना है, और ए डैश एफ इज इक्वल टू एन एफ की जगह हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, पी एफ। और अब आपको ये भी मालूम है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो देखेंगे यहाँ पर ए डैश जो एफ है, यहाँ पर मैं ऐसे बना रही हूँ आपको समझाने के लिए डायग्राम, तो ये है आपके पास पोल, और यहाँ पर है आपके पास ए पॉइंट, ए डैश पॉइंट, और यहाँ पर है फोकस। अब आपको पता है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो आपको ए डैश एफ निकालना है, तो ए डैश एफ आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पी एफ माइनस पी ए डैश, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि ए डैश एफ आपने निकालना है, तो पी एफ माइनस पी ए डैश, तो ए डैश एफ की वैल्यू आ गई है।
अगेन आपने देखना है अल्सो ट्राइंगल कर्वेचर वाली, जो ट्राइंगल होगी, ट्राइंगल ऑब्जेक्ट से लेकर ए बी सी, देख रहे हैं ना आप, एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगेन देखेंगे आप, तो एक ट्राइंगल आपके पास, मैं ऐसे रफली बता रही हूँ, ये है, ये यहाँ पर ए बी सी जो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो इमेज आपके पास फॉर्म हुआ है दिस वन, तो यहाँ पर ये ए डैश बी डैश और सी लिख देंगे आप। इमेज वाली साइड ले लेंगे पहले, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट ए बी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी, तो यहाँ पर आपने लिख दिया है। और स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि हम ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखेंगे ये हमारे पास पोल है, और ये यहाँ पर ये पोल है, और ये ए डैश है, और ये सी है। तो बता दो स्टूडेंट्स, ए डैश सी हमने निकालना है, दिस वन ए डैश सी, तो इसको निकाल सकते हैं हम पी सी माइनस पी ए डैश, ऐसे निकाल सकते हैं ना, तो आपने लिख देना है पी सी माइनस पी ए डैश। और ए सी निकालना है, अब आपने ए सी, तो आपको पता है ये पोल है, और ऑब्जेक्ट के लिए ए ए है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट आपके पास, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो ए सी कैसे निकालेंगे आप, बिल्कुल ईजी है, ए सी ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो आपने बता देना है पी ए प्लस पी सी, पी ए प्लस पी सी, तो ये हमारे पास टू और ये थ्री। तो देखेंगे स्टूडेंट्स आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, तो राइट साइड भी आपस में क्या होगा स्टूडेंट्स, बराबर होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री। फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री हमारे पास इक्वेशन ए थी पी एफ माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू पी सी माइनस पी ए डैश डिवाइडेड बाय पी ए प्लस पी सी, ये हमने इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री को आपने कंबाइन करके लिख लिया। फिर उसके बाद आपको पता है अप्लाइंग साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो स्टूडेंट्स देखेंगे आप डायग्राम में कि जो फोकस है, जो रे ऑफ लाइट है, वो यूं जा रही है आगे को, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट रे ऑफ लाइट देखेंगे आप, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम, ठीक है, आपने बताना है कि जो रे ऑफ लाइट है जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या हो रही है, कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, तो यहाँ पर आपको मैंने रूल बताया था कि जो रे ऑफ लाइट है, जिस डायरेक्शन में लाइट अगर जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में अगर आपने डिस्टेंस को मेजर करना है, तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आपने बताना है कि देखो पोल से लेकर फोकस भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो रे ऑफ लाइट भी हमारी ऐसे जा रही है, तो पोल से लेकर जो फोकस वाला जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस
एफ। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपने बताना है, आगे आ रहा है रे ऑफ लाइट, तो यहां पर ये भी आपने ऐसे ही बताना है, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस को क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम पोल, तो आपने बता देना है। फिर उसके बाद हमने बताना है कि जो ऑब्जेक्ट है पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, देखो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन अब पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस यू, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट के लिए आप क्या लेते हो, ऑब्जेक्ट को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोकल लेंथ आपको पता ही है किससे, एफ से, तो यू वी एंड एफ, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पोल है और पोल से जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में है और लाइट आपकी इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो पोल से लेकर जो इमेज है, इमेज भी देख रहे हैं आप यहाँ पर बन रही है, आगे बन रही है, तो प्लस वी आपने बताना है। तो अब आपको पता है पी एफ आपने लिख देना है प्लस एफ लिख देंगे, और पी सी आपने लिख देना है प्लस आर, और पी ए डैश इज इक्वल टू वी, और पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है माइनस यू, ए डैश होगा वो इमेज के लिए है और ए है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिस वन इज ए बी, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ए आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, अगर ए डैश आ रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फोकल लेंथ आपको पता ही है कि क्या होता है स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपने किया है तो आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, टू एफ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू फिर आपने पुट कर देनी है, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फोर, एफ माइनस वी, एफ इज इक्वल टू पी सी की जगह आप आर लिख सकते हैं और आर की जगह आप टू एफ लिख दीजिए, माइनस पी ए डैश माइनस वी पी ए, पी ए आपके पास क्या है पोल से लेकर, माइनस यू प्लस पी सी, ए टू एफ हो जाएगा, और फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, एफ माइनस वी, जब तक आप खुद रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएंगे टॉपिक, तो आपने ध्यान देना है कि आपने खुद इसको रिटर्न प्रैक्टिस करना है तब आपको क्लियर होगा टॉपिक। तो यहाँ पर ये माइनस एफ यू प्लस टू एफ स्क्वेयर प्लस वी यू माइनस टू एफ वी इज इक्वल टू टू एफ स्क्वेयर माइनस एफ वी, माइनस एफ यू टू एफ स्क्वेयर प्लस एफ वी, तो आपने देखना है प्लस टू एफ स्क्वेयर माइनस टू एफ स्क्वेयर से आप कैंसिल कर दीजिए, और ये माइनस यू एफ प्लस वी यू, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ वी इज इक्वल टू जीरो। तो आपने फिर उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस यू एफ प्लस यू वी इज इक्वल टू एफ वी, डिवाइड बोथ साइड बाय यू वी एफ कॉमा वी गेट माइनस यू एफ डिवाइडेड बाय यू वी एफ प्लस यू
वी इज इक्वल डिवाइडेड बाय यू वी एफ इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाय यू वी एफ। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन वी प्लस यू वी यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है, तो वन अपॉन एफ यहाँ से वन अपॉन यू। तो हमारे पास वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। दिस इज मिरर फॉर्मूला फॉर किसके लिए है स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसको अगर आप पहले खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये जरूर समझ आएगा। इसको आपने रिटर्न प्रैक्टिस करना है, तो रिटर्न जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तभी ये टॉपिक क्या होंगे क्लियर होंगे कि कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है। आप डायग्राम बनाओगे तो तभी आपको ये सारी चीज़ें क्या होंगी क्लियर होंगी। तो कन्वेक्स मिरर में मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास अगर डायग्राम है, ऑब्जेक्ट आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ है, ऑब्जेक्ट ए वी इन्फिनिटी और पोल के बीच में आपने क्या रखा है, इसको ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो जो रे ऑफ लाइट है इस डायरेक्शन में, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो यहीं से ये लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको पता ही है। और जो फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं कन्वेक्स मिरर में, वो यहाँ पर लाई करते हैं बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। तो ये यहाँ से ऐसा लगेगा कि जो लाइट है वो कहाँ से अपीयर हो रही है, फोकस से अपीयर हो रही है। और सेकंड जो रे ऑफ लाइट होगी वो यहाँ से कन्वेक्स मिरर के ऊपर फॉल करेगी, अगेन डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आपको पता है। अगेन इसी पास से वो क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर ये जो टू है रिफ्लेक्ट रेज हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ये इमेज बन रही है ए डैश और बी डैश। और साथ में आपको पता ही है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो जो पोल से लेकर जो फोकस होगा वो प्लस में आ जाएगा इस डायरेक्शन में, पोल से लेकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अगेन इसी डायरेक्शन में। लेकिन जब आपने कनकेव मिरर का केस किया था तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है फोकस पॉइंट यहाँ आता है, इन फ्रंट ऑफ द, सामने आता है बिल्कुल, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। तो जो डिस्टेंस होती है, पोल इस डायरेक्शन में, लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि हमने ये प्लस में क्यों लिया है, और यहाँ से पोल से लेकर जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आ रहा है। लेकिन जो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में है, लाइट आगे इस डायरेक्शन में फॉल कर रही है, तो ये माइनस यू में आ जाएगा। तो ये होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने कनकेव मिरर के बारे में अच्छे से आपने स्टडी कर लिया है और पूरे रूल आपने अच्छे से स्टडी कर लिए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ये टॉपिक समझने में। ओके।